लुक एक आदिवासी लुक है, इट्स अ ट्राइबल लुक. और हमने इसमें हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं एंड यू नो क्रिएटिव्स हैं, उन्होंने दो तीन किस्म के ड्रेपिंग ट्राई किया था एंड देन फाइनली वी केम अप विद दिस लुक. और वैसे भी मुझे जंग ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, तो ये उसका हिस्सा है. एंड यू नो हेड, ये सारा जो ये हेड ज्वेलरी बेसिकली ये नेक पीस है, पर उसका वो गले में लगाया है. एंड आई लाइनर इज़ डिफरेंट, जो हम रेगुलर कभी ऐसे ड्रेसअप नहीं हो सकते. तो या दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि जब मैंने कि मैंने ऐसे ड्रेसअप किया है. ऑफकोर्स लालिश इज़ अबाउट फिक्शन स्टोरीज और डरावनी स्टोरीज. तो सरप्राइजिंगली ये लालिश की मेरी तीसरी स्टोरी है. मैंने पहली स्टोरी की थी जब सीज़न वन आया था, तो उसमें अंकित सिवाच और मैं थे एंड यू नो एक लव स्टोरी थी विद अ ट्विस्ट, थोड़ी डरावनी टूवर्ड्स दी एंड. उसमें मैं एक लावनी डांसर प्ले कर रही थी. देन रिसेंटली आई डिड वन विद माई प्रोड्यूसर्स ऑफ माई सीरियल भूतू एस एल विजन के साथ, एक लालिश का स्टोरी की है. उसमें मैं एक 17 साल की स्कूल की लड़की बनी थी, तो वो भी अलग लुक था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक स्कूल गर्ल का रोल प्ले करने मिलेगा, बट ऑब्वियसली आई डिड इन लालिश. एंड इस बार मैं ट्राइबल प्ले कर रही हूँ. तो तीनों में एक कॉस्ट्यूम ड्रामा रहा है, लावनी टू स्कूल गर्ल टू एन आदिवासी. तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तीन स्टोरीज कर रही होंगी लालिश की, एंड ये मेरी तीसरी स्टोरी. सो इट्स बिन फन. तीनों ही स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है. प्रेपरेशन जब मैंने लालिश सीजन वन का किया था, वो LSD प्रोडक्शंस के साथ था, तो वो पूरी टीम से मैं वाकिफ थी. डायरेक्टर आई हैड ऑलरेडी वर्कड विथ हिम इन प्रतीक्षा, उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया था मिलियन डॉलर गर्ल में, चैनल वी में. तो हमारा वो मेरा फ्रेंड भी है. तो चैनल तो हमारा वन सेकेंड, तो जो डायरेक्टर हैं प्रतीक्षा, उनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया था मिलियन डॉलर गर्ल में चैनल वी पे. तो वो मेरा फ्रेंड है, तो बहुत एक अच्छा कंफर्ट लेवल था हमारा सेट पे. एंड लावनी डांसर प्ले करना मेरे लिए ऑफकोर्स चैलेंजिंग था, बिकॉज लावनी डांस मुझे आता नहीं है. बहुत हमने मेहनत की, प्लस वो कोरियोग्राफर मेरे कैनल जो है वो मेरे कृष्णदासी के कोरियोग्राफर थे. तो पता है एक तरह का माहौल ऐसा था कि घर जैसा ही था, मैं सबको जानती थी, सब मुझे जानते थे, तो वो एक अलग कैरेक्टर था. And school girl again, I was playing a school girl for the first time. लेकिन जो director थे राजेश रणशिंगे जी, he is a very well known director. और वो मेरी कृष्णदासी में जो मेरी नानी बनती थी ना कुमुदिनी, जो हमारे इंदिरा कृष्णन है, उनके हस्बैंड है. तो मैं उनको वैसे जानती थी क्योंकि हम कृष्णदासी के टाइम साथ में पार्टियां करते थे. तो हमारा बहुत अच्छा एक रैपो था, प्लस द प्रोडक्शन SL विजन मैंने ऑलरेडी उनके साथ काम किया हुआ था भूतू में. एंड अब यहाँ पे कम से कम पता नहीं मैं 6-7 लोगों को जानती हूँ जिनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ है. तो एक कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा हो जाता है. डजेंट मैटर, नए लोगों के साथ भी आप एक अच्छे, ये लोग भी तो कभी ना कभी मेरे साथ, मैं इनके साथ नई थी, न्यू थी, बट यू नो एक बार होता है ना कि आप पहचानते हैं तो बैठ के आप बातें कर सकते हैं, आप अपने कैरेक्टर को और अच्छे से समझ, मतलब एक झिझक नहीं रहती है लोगों में काम करने में. सो इट्स लवली बिकॉज यहाँ पे आर्ट डायरेक्टर से लेके डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, DOP जिनके साथ मैंने अपना फर्स्ट डेली शो किया था, तो लाइक ऑल ऑफ देम आई नो, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, इवन द पर्सन वाज डूइंग ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स हमारा भूतों में भी करते थे और उन्होंने लालिश में भी किया हुआ है पिछले एपिसोड में. तो लॉन्ग स्टोरी ना, लाइक आई नो लाइक क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम. एंड बड़ा मज़ा आ रहा है कि मैं इतने सारे लोगों को यहाँ पे सेट पे उनसे वाकिफ हूँ मैं. नो आई डोंट लाइक टू वॉच हॉरर स्टोरीज, मुझे बहुत डर लगता है. इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट मेरा लालिश का एपिसोड देखा था जो लावनी डांसर वाला था, मैं इतना मतलब लिटरली डर गई थी ना वो एपिसोड देख के. इनफैक्ट जब मैंने वो स्क्रीन प्ले और उसका स्टोरी पढ़ा था बिफोर कमिंग ऑन सेट, तभी मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उस वक्त थोड़ी सी ऑथेंटिक लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट हॉरर वाली आती थी. सीज़न वन की मैं बात कर रही हूँ. फिर जैसे जैसे सीज़न बढ़ते गए तो ये थोड़ा सा ओवर द टॉप स्टोरीज होने लग गई ना, थोड़े अलग किस्म के जोन में चला गया. इट्स नॉट ओनली अबाउट लव स्टोरीज, बट इट इज़ मोर अबाउट हॉरर. पहले लाल इश्क ज़्यादा था, अभी इश्क थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लाल ज़्यादा हो गया है. तो डिफरेंट सीजन्स में मैंने डिफरेंट स्टोरीज़ की हैं. प्ले करना तो देखो, मैं तो बहुत बनती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे कभी अगर कोई बोले भी ना कि ये हमारी स्टोरी है और आप ना उसमें ऐसे अब डरावना मेकअप होगा, दांत बाहर होंगे, ऐसा होगा, तो वो तो फिर मुझसे नहीं हो पाता, बिकॉज आई नो कि मैंने एक स्टोरी की थी और एक दूसरे कैरेक्टर को ऐसा प्ले करना था, तो कितनी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप डे नाइट काम करते
हो आप चुड़ैल बन के ऐसा करके बैठे रहो पूरा टाइम, तो ना वो थोड़ा बहुत ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है. बिकॉज एज इट इज़ जब हम एपिसोडिक शूट करते हैं तो वी आर ऑलवेज ऑन द रन, यू नो, हमको 12 घंटे भी कम पड़ते हैं एक दिन के शूट करने के लिए. तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एपिसोडिक्स में, मोर देन डेली सोप्स ऑल्सो. तो बस इतना है कि 3-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, बट मेहनत बहुत ज़्यादा होती है. आपको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है, बस वो लंच ब्रेक और नाश्ता ब्रेक होता है बस वही. तो तो जनरली अभी तक मैंने जो भी हॉरर स्टोरीज़ में कैरेक्टर प्ले किया, मैं कभी भूत नहीं बनी हूँ, आई एम ऑलवेज. बट इसमें ये एक बिच्छूनी की कहानी है, तो ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा समझ हो गया बारिश की वजह से, बट एक बिच्छू का टैटू है, शी इज़ ऑल टैटूड एंड यू नो अलग गेटअप है. तो ये टूवर्ड्स दी एंड जाके ये कुछ तो इसके साथ होने वाला है, नॉट एग्जैक्टली गेटअप में नहीं होंगी, बट कुछ एक अलग ट्विस्ट होने वाला है, वो इश्क को लेकर होगा. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा. सी अभी तक तो डेली सोप इज़ नॉट इन द पाइपलाइन, आई एम वेटिंग कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि अब तक के जैसे शोज़ किए हैं ना, तो यू नो उस तरह के कुछ अच्छे हो, लव स्टोरी हो या कोई अच्छा डेली सोप हो, लाइक आई हैव डन कृष्णदास, गुस्ताख दिल, तो इन सारे शोज़ के जैसा कुछ अच्छा हो, भूतू, यू नो, नाइस शोज़. सो अगर कुछ आएगा तो डेफिनेटली आई डू. बट आई हैव जस्ट आई डिड अ फिल्म, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म कॉल बमफाड़, और वो फिल्म अनुराग कश्यप जी इज़ प्रजेंटिंग. तो मेरा बहुत मतलब आई एम ऑनर्ड कि यू नो आई गॉट टू प्ले अ पार्ट इन दैट फिल्म. आई थिंक दैट फिल्म इज़ गोना कम आउट मे बी इन अ फ्यू मंथ्स और मे बी इन 2 मंथ्स, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द टाइम कब आएगी, बट एक फैंटास्टिक टीम ऑफ एक्टर्स, प्रोडक्शन वाइज, राइटिंग वाइज, डायरेक्टर रंजन चंदेल, तो मतलब सबके साथ काम करने का मौका मिला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बिकॉज आपको पता ही है जब आप टीवी बैक टू बैक करते हो, बहुत मुश्किल होता है टू क्रैक इन टू फिल्म्स, एंड यू नो किसी फिल्म का छोटा सा हिस्सा बनने के लिए भी हम चाहे कितने भी लीड्स किए हों टीवी में, कितना भी नोन फेस हो, कितनी भी इंस्टाग्राम की फैन फॉलोइंग हो, बट एक बड़ी एक अच्छी फिल्म का छोटा सा हिस्सा बनने के लिए भी कितनी रिगरस मेहनत जाती है, ऑडिशंस, मीटिंग्स, लुक टेस्ट, और बहुत नसीब की बात होती है, लक की बात होती है बेसिकली, कि आपको एक छोटा भी पार्ट प्ले करने मिले किसी फिल्म में. सो या आई थिंक लॉन्ग बैक इन 2011 सिंघम का हिस्सा थी, वो भी बहुत एक ग्रैंड फिल्म का हिस्सा बनना. तो मुझे ऐसा है कि भले इन फिल्म्स में छोटे रोल्स किए हैं, बट यू नो एक फिल्म का एक्सपीरियंस लेना बीच बीच में अच्छा लगता है, ज़रूरी भी है, और वो मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है. बिकॉज वो वहाँ तक वो मिलना मतलब टीवी तो क्या, हम थोड़ा एक फेस बन जाते हैं, तो हमको अब इसके बाद तुरंत मिल जाते हैं शोज़, यू नो. बट फिल्म्स एक अलग दुनिया है, एंड यू नो इन आवर वेब सीरीज़, तो कभी कभी हम वेब के लिए भी जाते हैं, भले हम अच्छे एक्टर हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, कभी कभी वेब में भी लोगों की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, अरे आप टीवी में बहुत दिख चुके हैं, तो यू नो अब वेब में हम अलग फेसेस. बट यू नो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पीपल जो वेब सीरीज़ बनाते हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स, क्रिएटिव्स हैं, कि ऐसा नहीं है कि सारे टेलीविजन एक्टर्स एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं एक्टिंग का, बट हाँ इतना है कि हम थोड़े वर्किंग आवर्स वाइज बिगड़ जाते हैं, तो वो है. लेकिन जब हमारे माहौल चेंज होते हैं, जब हम दूसरे सेट पे जाते हैं, तो हमारी भी एक कोशिश होती है कि एज एन आर्टिस्ट हम अपना 100% दें, और हम उनके तरीके से और अपने तरीके को मिला के मतलब एक बेस्ट चीज़ पुट फॉरवर्ड करें. सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ देम कि सारे टेलीविजन एक्टर्स को भी ट्राई किया करो यार, नॉट दैट कि हम लोग बुरे एक्टर्स होते हैं. सो या सो आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड बमफाड़, एंड मैं उसमें एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. सो आई जस्ट ऑब्वियसली आई कॉन्ट स्पीक एनी थिंग अबाउट इट, आई हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट इट राइट नाउ, बट हाँ आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम आउट. सो अभी डेली सोप्स नहीं कर रही हूँ, मूवी की शूटिंग फिनिश हो गई है. मैं सोनू निगम जी के साथ ट्रैवल करती हूँ एज एन एंकर फॉर हिज कॉन्सर्ट्स. तो नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू मॉरिशस विथ हिम एज एन एंकर फॉर हिज कॉन्सर्ट. बाकी डेली सोप नहीं है, तो दिन सारे खाली हैं, फ्री हैं, तो थोड़ा जो नहीं कर पाती हूँ डेली सोप शूट करते टाइम, वो सब करती हूँ, तफरी करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ. तो ये सब हम जब डेली
लेडी सोप में एक बार साइन कर लेते हैं तो बंद जाते हैं, तो नहीं कर पाते, तो वो सब कर रही हूँ। बीच बीच में ऐसे लाल इश्क जैसे अच्छे प्यारे एपिसोड्स आते हैं तो वो कर लेती हूँ। तो आई ट्राई एंड कीप माई सेल्फ बिजी बिकॉज आई एम अ वर्कहोलिक और मुझे काम करना बहुत पसंद है। मैं घर बैठ जाती हूँ तो एक थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो और मैं बहुत ज़्यादा सोशल इंसान हूँ नहीं कि मैं बहुत पार्टियाँ करती हूँ या मैं बहुत दोस्तों के साथ घूमती हूँ, बट जितने थोड़े बहुत अच्छे क्लोज दोस्त हैं उनसे कैचअप कर लेना एंड ये सब चीज़ों में बिजी रहती हूँ। सो या सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ तो ऑल द पीपल हु हैव बिन देयर यू नो आई चैट पर्सनली विद देम एंड मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना और बिन एन आरजे तो यू नो अनजान लोगों से भी बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है अच्छे से। सो या आई कीप माई सेल्फ बिजी।